जय सियाराम। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। हरे कृष्णा श्री राधे। आप सभी के प्रति शुभकामना मंगल कामना व्यक्त करता हूं। दोहावली की इस ज्ञानमयी श्रृंखला में हम सब प्रवेश करें। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी आज के इस दोहे में एक गंभीर विषय का, गूढ़ विषय का प्रतिपादन कर रहे हैं। ताहि की संपत्ति सगुन शुभ सपने हुमन विश्राम भूत द्रोह रत मोह बस राम विमुख रति काम। पूज्यपाद गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मोह के बसीभूत होकर जो प्राणियों से द्रोह करता है, जो राम से विमुख है और जो काम में आसक्त है, भोगों में आसक्त है, उसको क्या स्वप्न में भी, सपने हूं क्या स्वप्न में भी, तीन बातें क्या स्वप्न में भी उसको संपत्ति, संपत्ति यानी दैवीय संपत्ति, या स्वप्न में भी कोई शुभ संकेत, या उसके चित्त को शांति मिल सकती है। अर्थात कहना चाहते हैं कि ऐसे प्राणियों को जो मोह में वशीभूत होकर राम से विमुख हैं और भोगों में आसक्त हैं, उनको स्वप्न में भी दैवीय संपत्ति की और शुभ संकेतों की तथा उनको चित्त की शांति नहीं प्राप्त हो सकती। बड़ी गूढ़ बात है। यदि चित्त की शांति चाहते हैं, शुभ संकेतों का दर्शन चाहते हैं, जिनको सगुन कहते हैं, शकुन कहते हैं, और यदि दैवीय संपत्ति हम सब चाहते हैं, तो हमको इन बातों से सावधान रहना पड़ेगा कि हम मोह के वशीभूत ना हो, भगवान से विमुख ना हो, राम से विमुख ना हो, और रति काम, काम में आसक्ति ना हो, भोगों में हमारी आसक्ति ना हो। अब संक्षेप में इसकी व्याख्या हम सब समझें कि जिनको चित्त की शांति चाहिए, जिनको दैवी संपत्ति चाहिए, उनको बचना पड़ेगा। किससे? मोह से। मोह के वशीभूत नहीं होना। मानस में मानस रोग की चर्चा जब उत्तरकांड में हुई तो बाबा ने स्पष्ट लिखा, मोह सकल व्याधिन कर मूला। अर्थात सभी व्याधियों के मूल में मोह है और उसके बाद ही अन्य सारे रोग मोह से जनित हैं, जन्म लेते हैं। तो सारे रोगों के मूल में क्या है? मोह। स्पष्ट मानस में किया है, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। उसके यहां भी चर्चा है। तो जो मोह से दूर है उसको तो ये प्राप्त हो सकती है, चित्त की शांति, शुभ संकेत उसको तो मिल सकते हैं। लेकिन जो मोह के वशीभूत होकर प्राणियों से द्वेष करता है, अब प्राणियों से द्वेष क्यों करता है भाई? उसके मन में एक ऐसे अनेक दुर्गुण आ जाते हैं कि वो प्राणियों से, मानस में लिखा है कि 14 भुवन एक पति
कोई भूत द्रोह तृष्ट ही नहीं। 14 भुवनों का एक पति यदि कोई हो, स्वामी हो 14 भुवनों का, वो भी प्राणियों से वैर करके द्वेष करके नहीं रह सकता है। अर्थात ये जो भूत द्रोह है, अर्थात प्राणियों से जो वैर रखता है व्यक्ति, द्वेष करता है, वो कभी उसके चित्त को शांति नहीं हो सकती। उसको समत्व का दर्शन करना पड़ेगा। सी राम मैं सब जग जानी, द्रोह से दूर। उस सबको राम मैं जाने, अपने जैसा ही जाने, तो किसी से द्रोह नहीं होगा। एकत्व अनुपश्यतः, उपनिषद कह रहा है एकत्व का दर्शन करे तो द्रोह होगा ही नहीं। और राम विमुख, अब जो राम विमुख हो जाता है, आप कल्पना करी, मंदोदरी कहती है, ए रावण तुम्हारी ये जो दुर्दशा हुई है क्यों हुई है? राम विमुख अस हाल तुम्हारा, ये जो तुम्हारा हाल हुआ है, तुम्हारी जो गति हुई है, ये राम से विमुख होने पर हुई है। इसलिए राम से विमुख नहीं होना है, उनके सनमुख होना है। तो परिणाम सनमुख होई जीव मोही जब ही। और जब व्यक्ति भगवान के सन्मुख होता है तो जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, और जब विमुख होता है तब राम विमुख संपत्ति प्रभुताई। राम विमुख होकर यदि संपत्ति मिल भी जाए तो रुकेगी ही नहीं, वो रुक ही नहीं सकती। और यदि रुकी भी है तो भी उसका कोई महत्व नहीं होगा, बाबा ने मानस में स्पष्ट किया है। तो एक तो हो गया मोह, दूसरा हो गया भूत द्रोह, तीसरा हो गया राम से विमुख, और चौथा जो भोगों में आ सकते हैं, जो काम वासनाओं में रत है। देखो सभी पापों के मूल में क्या है? कामना है, किसी भी प्रकार की। तो विस्तार में नहीं मैं प्रवेश कर रहा हूं। किसी भी प्रकार की कामना आपको दुख देती है, वो आपसे पाप करवाती है। और जो सदैव रत काम, जो भोगों में आ सकते हैं, काम में आ सकते हैं, ऐसे लोगों को स्वप्न में भी दैवीय संपत्ति का दर्शन नहीं होगा, कभी शुभ संकेतों का दर्शन नहीं होगा, और कभी उनके चित्त को शांति नहीं मिलेगी, उनके मन को विश्राम नहीं मिलेगा। क्योंकि मन को विश्राम चाहिए तो भगवान के सन्मुख होना पड़ेगा, राम नाम जपना पड़ेगा, क्योंकि वो तो अखिल लोकदायक विश्रामा है, वो तो सारे लोग को विश्राम करने वाला राम आया है। तो उस राम को हमको जपना पड़ेगा, उस राम के सन्मुख होना पड़ेगा। और ये जो दैवीय संपदा है, इसको तो बहुत सुंदर गीता के 16वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने समझाया है। एक दैवीय संपत्ति होती है, एक आसुरी संपत्ति होती है। कभी गीता की व्याख्या करेंगे तो उसमें विस्तार से आप सबको बताएंगे। आपने पढ़ा होगा गीता के 16वें अध्याय। तो दैवी संपत्ति क्या है? तो पहले दूसरे तीसरे श्लोक में भगवान ने स्पष्ट किया है कि दैवी संपत्ति के जो गुण हैं वो कौन से हैं, और आसुरी के कौन से गुण हैं उसको भी स्पष्ट किया है। दंभो दर्पो अभिमानश्च, ये सब आसुरी संपत्ति के गुण हैं। और दैवी संपत्ति के कौन कौन से गुण होते हैं उसको भी स्पष्ट किया है। उसमें अहिंसा है, सत्य है। तो भगवान के सन्मुख रहे हम सब, प्राणियों से वैर ना करें, प्राणियों से प्रेम करें, मोह के वशीभूत ना हो, भोगों से दूर रहें, तब तो हम इन कष्टों से बच जाएंगे। और यदि हम मोह के वशीभूत होकर प्राणियों से वैर करेंगे, राम से विमुख होंगे, भोगों में आसक्त रहेंगे, तो उनको स्वप्न में भी दैवीय संपत्ति और मन की चित्त की शांति
कदापि नहीं मिल सकती है, उनको स्वप्न में भी शुभ संकेत नहीं दिख सकते हैं। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, ताहि की संपत्ति सगुन शुभ, सपने हूँ मन विश्राम, भूत द्रोह रत मोह बस, राम विमुख रति काम। तो आज के इस दोहे पर यहीं पर विचार पूर्ण करते हैं। आगे पुनः हम मिलेंगे। आप सबके प्रति शुभकामना, मंगल कामना, उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए वाणी को विराम। जय सियाराम।